वहीं भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य की कुछ तस्वीरें कैप्चर की है, जिन्हें इसरो ने सोमवार को जारी किया। यह तस्वीरें मई 2024 में आए सोलर स्टॉर्म की बताई गई है, जिन्हें आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के पर लगे दो ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लिया गया। यह वही सोलर स्टॉर्म था जिसके कारण भारत के लद्दाख समेत दुनिया के कई हिस्सों में आसमान एक अनोखी रोशनी से लाल हो गया था। तस्वीरें जारी करते हुए इसरो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ने मई 2024 के दौरान सोलर एक्टिविटीज को कैद कर लिया है। साथ ही लिखा कि आदित्य L1 के पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन से जुड़े कई एक्स क्लास और एम क्लास फ्लेयर्स को कैप्चर किया है।